इस वीडियो में बनाने वाले हैं एकदम से लाजवाब अंडा करी। अगर आप ऐसी अंडा करी बनाना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आइए बनाते हैं अंडा करी। तो ये हमने 4 अंडे ले लिए हैं जो इनको उबाल लिए हैं अच्छे से कम 15 से 20 मिनट तक उबालने चाहिए। अगर अंदर कच्चे रह जाते हैं तो छीलने में दिक्कत होती है और इसको पानी में ही डाल कर रखें, ठंडा थोड़ा हो जाए तो छीलें। देखें इसके छिलके कितने आसानी से उतर रहे हैं। अगर थोड़ा कम पका होता है तो छिलके नहीं उतरते हैं, या पानी से बाहर निकाल के रख देने पर भी छिलके नहीं उतरते हैं। तो ये अंडे को हमने छील लिए हैं। तो चलिए हम इनको चाकू के मदद से या जो कांटे वाली चम्मच होती है उसकी मदद से इस तरीके से हम इसमें छेद बना लेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी करी होती है या रस्सा होता है, जूसा होता है, उसके अंदर घुसता है। तो अब हमने इस अंडे में छेद बना लिया है तो अब इसको साइड रख देते हैं और ये हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने एक मिर्ची ले रखी है और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है और 4 लौंग है जो तड़के के लिए ले रखे हैं। अब तेज़पत्ता हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है, अगर हो तो डाल दीजिएगा। ये लहसुन है जिसको हमने कूट लिया है और ये प्याज है बारीक कट कर लिया है। ये राजेश मीट मसाला है जो हमने ले लिया है, ये दुकान पे मार्केट में अच्छे से मिल जाता है। यह इसका स्वाद हमको बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले गैस पर कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें तेल डालकर गरम कर लेते हैं। तेल अंडे में ज़्यादा नहीं लगता है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो मैं इतने ही तेल में बनाने वाली हूँ जो बड़े चम्मच से 1 चम्मच होगा। तेल को गरम होने दें। जब तेल गरम हो जाए तब इसमें हम अंडे को डालकर हल्का गोल्डन या लाल होने तक फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। अब ये अंडे जो हैं फ्राई हो चुके हैं तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और देखिए तेल बिल्कुल भी नहीं लगा, जितने का उतना ही तेल पड़ा है। तो हम इसमें सबसे पहले तड़का डाल लेते हैं और तड़का डालने के बाद प्याज को डालकर नरम होने तक या उसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तड़का को ज़्यादा जलने नहीं देना है, हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए तो डाल लेना है। और अब हम प्याज को डालकर भून लेते हैं, 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें लहसुन डालकर उसको भी भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है भून चुकी है, रंग भी थोड़ा चेंज हो गया है, नरम भी हो गई है। तो हम अब इसमें कूटे हुए लहसुन को डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे और उसका भी थोड़ा हल्का हल्का कलर चेंज कर लेंगे। ये क्योंकि कूटा हुआ है तो जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाएगा। मीडियम आंच को मीडियम ही रखना है और इसको हम बराबर चलाते हुए भून लेना है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो लहसुन कूटा हुआ है वो जल जाएगा। तो ये देखिए ये भून चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। ये तेल जो है लहसुन कूटा हुआ था तो उसने पूरा सोख लिया है, फिर भी कढ़ाई तेल छोड़ रही है। तो हम इसमें सबसे पहले हमने नमक डाल दिया, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें, अंडा में बहुत कम नमक लगता है। और 1/4 चम्मच से भी कम हमने हल्दी डाल ली। और अब हम इसमें डालेंगे शिमला लाल मिर्च। ये देखिए वो फंस गया था चम्मच तो गिर गया। और हम इसमें मिर्ची नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये जो शिमला लाल मिर्च दिया है इसमें भी तीखा है और ये मसाले में भी तीखा होता है। तो हम मसाले को भी डाल लेते हैं और पानी डालकर इसको अच्छे से
भून लेते हैं। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तब इसमें पानी डालकर अंडे डाल देंगे। शिमला मिर्च कुछ ज़्यादा ही हो गया है, वो झटके से गिर गया तो, और इसको हम इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी सूख ना जाए, मसाले और कढ़ाई जब तक कि तेल ना छोड़ने लगे। बहुत से सारे लोग टमाटर और धनिया डालकर बनाते हैं जिससे उसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। मसाला देखिए भून चुका है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी देर तक और भूनते हैं ताकि इसका जो भी पानी है एकदम से सूख जाए और इसमें सौंधाई आ जाए, मसाले की खुशबू एकदम बढ़िया आ रही है। तो हम इसको थोड़ा इसे चलाते हुए भून लेते हैं, इसका जितना भी पानी है सुखा लेते हैं। तो अब ये जो मसाला है ये भून चुका है, तो हम इसमें पानी डाल लेते हैं। हम पानी इसमें एक गिलास डालते हैं, एक गिलास यानी 250 ग्राम जितना, और हमको ज़्यादा करी नहीं रखना है इसलिए हम पानी इतना ही डाल रहे हैं। आपको ज़्यादा करी रखना हो तो और पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है अभी। तो अब जो है हम इसमें अंडा डाल लेते हैं और डालकर इसको पकने के लिए ढक देते हैं। इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, 6 मिनट तक भी पका सकते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ पका हुआ है, मसाला भी भूनने में पक जाता है और अंडा भी पका हुआ है, चुके हैं। ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। देख लेते हैं तो ये देखिए ये जो हमारी अंडा करी है एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है, और इसका करी देखिए कितना अच्छा बना है, और ये पक चुका है, इसका तेल भी ऊपर आ चुका है। तो फिर भी हम इसको थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए इसे खुले में लो फ्लेम पर रख देते हैं। अब ये अच्छे से पक चुका है, देखिए इसकी करी कितनी अच्छी है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे। तो ये लीजिए अंडा करी बनकर तैयार है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसे थोड़ी सी धनिया से गार्निश कर देते हैं। आप चाहें तो अगर ज़्यादा धनिया खाना पसंद है तो ज़्यादा धनिया डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी एकदम अच्छी सी अंडा करी बनकर